हे गाइस, वेलकम टू जैक फ्रूट। तो फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस मॉड्यूल में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्बशन। कम्बशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज़ हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच रिएक्शन बिटवीन अ फ्यूल एंड ओ टू ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो ये एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन होने वाली है। तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं या सिंपली कार्बन को बर्न करते हैं, तो हमारे पास CO2 और H2O ऑब्टेन होता है। हाइड्रोकार्बन्स के केस में उसके साथ हीट और लाइट भी इवॉल्व होती है। तो अगर मैं एग्जांपल्स में सबसे पहले लिखूं, अगर हमारे पास कार्बन है, उसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, सो द प्रोडक्ट्स वुड बी CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, सो दिस इज कम्बशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। इसी तरीके से कोई भी हाइड्रोकार्बन है, यानी कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कम्बशन पे उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा CO2H2O होंगे अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स, और हम यहाँ पे सीखेंगे कि कम्बशन रिएक्शंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो अगले एग्जाम्पल में मीथेन का कम्बशन रिएक्शन देखते हैं। CH4 को हमने O2 से रिएक्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2O होगा, तो हम देखते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली यही प्रोसीजर फॉलो करिएगा ताकि आप आसानी से रिएक्शंस को बैलेंस कर पाओ। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है, तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस H2O मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई। हर कम्बशन रिएक्शन में हीट और लाइट ज़रूर इवॉल्व होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज कम्बशन ऑफ C2H5OH प्लस O2। जैसा कि मैंने कहा, ये प्रोडक्ट में CO2 और H2O के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के लिए कार्बन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, सो हमारे यहाँ पे पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स है। 6 हाइड्रोजन करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स। दिस साइड हैज़ 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन्स, और इस साइड जो है वो यहाँ पे 4 और 3, 7 ऑक्सीजन्स है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन हो गए। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगले एग्जांपल में हम इथेनोइक एसिड का कम्बशन करेंगे। CH3COOH प्लस O2 गिविंग अस CO2 एंड H2O। अगेन, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे टोटल चार हाइड्रोजन्स हैं तो मैंने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऑक्सीजन काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड टोटल चार ऑक्सीजन है और राइट साइड टोटल सिक्स ऑक्सीजन हैं, तो टोटल ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स टेक वन लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास C4H8 का मॉलिक्यूल है जो कि ब्यूटीन है। इसको हमने कम्बशन किया, कम्बशन करने से CO2 और H2O ऑब्टेन हो गया। नाउ लेट्स बैलेंस। कार्बन के पास यहाँ पे चार कार्बन है तो यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई किया, यहाँ आठ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई किया। नाउ राइट साइड में हमारे पास फोर प्लस एट ट्वेल्व हाइड्रोजन्स है, आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन काउंट करना है तो यहाँ पे एट प्लस फोर हमारे पास ट्वेल्व ऑक्सीजन्स है, तो यहाँ पे हमने सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो सीक्वेंस ऑफ बैलेंसिंग सीक्वेंस ऑफ जो बैलेंसिंग हमें फॉलो करनी है, बैलेंस कार्बन एटम्स, उसके बाद बैलेंस एच एटम्स, और हमेशा सबसे लास्ट में बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करेंगे तो काफ़ी आसानी से बैलेंसिंग हो जाएगी। आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंबशन रिएक्शन के बारे में नोट डाउन करेंगे और उनको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फ्यूल burnt is our hydrocarbons. तो ज़्यादातर फ्यूल जो हम बर्न करते हैं दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। एल पी जी गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सी एन जी, पी एन जी, एल पी जी, ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन्स गिव क्लीन फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो येलोइश फ्लेम देते हैं, उनमें स्मोक निकलती है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम एंड लॉट्स ऑफ स्मोक। ओके, एंड लॉट्स ऑफ स्मोक। सो लेट्स मूव। लॉट्स ऑफ स्मोक से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होंगे तो वो बहुत सारा स्मोक भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, इफ O2 सप्लाई इज नॉट सफिशियंट, देन the flame becomes smoky even for saturated hydrocarbons. तो supply of oxygen should be sufficient. अगर oxygen की supply sufficient नहीं है तो saturated hydrocarbons के लिए भी जो flame है वो smoky हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट,
proper O2 supply. Is required for complete combustion. If utensils get blackened at bottom, it means O2 supply is not sufficient. Okay, agar cooking karte time hum ye observe kare ki jo bartan hai wo niche se kaale ho ja rahe hai, तो इसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं है. ओके, आगे चलते हैं. फ्यूल कंटेन nitrogen and sulfur whose oxides are responsible for pollution. तो जो हम fuels burn करते हैं उसमें nitrogen और sulfur भी होता है. बर्निंग के टाइम पे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हम कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं. जब हम कंबशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स या कुछ कंपाउंड्स या मटेरियल फ्लेम के साथ बर्न करते हैं. फ्लेम के साथ बर्न करने का मतलब होता है कि उनमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्लेम के साथ कर रहे हैं. सो आई कैन राइट बर्निंग विद फ्लेम. बर्निंग विद फ्लेम मीन्स प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल फ्यूल. ओके, या तो गैशियस फ्यूल हो या फिर वोलेटाइल फ्यूल हो तो हमें वहां पे फ्लेम ऑब्जर्व होती है. सिमिलरली बर्निंग विदाउट फ्लेम का क्या मतलब है? जैसे हम देखते हैं कि अगर हम कोयला बर्न करते हैं तो वो सिर्फ एक रेड हॉट कलर में बर्न होता है, उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है. सो दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल फ्यूल. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं. तो सबसे पहले कोल एंड पेट्रोलियम दोनों ही फॉर्म्ड बाय बायोमास ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो अब हम यहां पे देखते हैं कि कोल और ऑयल एंड गैस किस तरीके से बने हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट कोल फर्स्ट. कोल के लिए हम लिख सकते हैं
कोल तब बनता है व्हेन ट्रीज फर्न्स एंड सॉरी आई शुड राइट इट एज ट्री फर्न्स एंड अदर प्लांट्स गॉट क्रश्ड बरीड एंड स्लोली डिकेड स्लोली decayed into coal. So coal ke formation ke liye tree ferns or other plants they got crushed, they got buried and slowly decayed into coal. So this is how coal is formed. Now let's talk about oil and gas. So oil and gas ke liye हम लिख सकते हैं टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन सी बेड बरीड under slit, under silt, then bacteria turned them into oil and gas, under high pressure. The silt turned into rock. Then gas got trapped in porous parts of rocks. तो oil and gas जब tiny plants और animals जो कि sea bed पे रहते थे वो रेत के नीचे दब गए धीरे धीरे bacteria के action से वो oil और gas में convert हो गए और जो उनके ऊपर रेत की चादर थी वो rock में convert हो गई फिर वो ऑयल जो गैस में कन्वर्ट हुए थे वो सीप करते करते पोरस पार्ट्स तक पहुंच के जहाँ पे वो एक डिपॉजिट्स का फॉर्म लेते हैं सो दिस इज हाउ कोल एंड गैस आर फॉर्म्ड सो दैट्स इट फॉर दिस मॉड्यूल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो